हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीमा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज कोई गार्डनिंग की बात ही नहीं, कोई कुछ नहीं, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, लेकिन बहुत ही दुख होता है ये सोच के हमारे देश में आज भी हमारी जो बेटियां हैं, हमारे जो वुमेंस हैं, हम जो औरतें हैं, वो क्या सेफ़ है। यही सवाल बार बार आती है हमारे जहन में कि क्या हम सेफ़ है। बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। प्रियंका रेड्डी के बारे में आपने सुना होगा कि क्या हालत कर दिए है उसने, उन दरिंदों ने। क्या लड़कियाँ, एक सवाल है मेरा सभी सभी से, क्या लड़कियाँ लड़कियों को सिर्फ नोचने के लिए है? नोच कर उसको फिर आप मर्डर कर देते हो। एक किस मानसिकता वाले इंसान की, किस मानसिकता वाले समाज में हम अभी रह रहे हैं? आज उनके साथ हुआ, कल को मेरी बच्ची के साथ होगी, परसों आपके बच्चे के साथ होगी, क्या गारंटी है कि ये नहीं होगी? बहुत ही दुख होता है। जब तक सरकार कोई भी कानून स्ट्रॉन्ग, रेपिस्ट के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग कानून नहीं बनाता, ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। आपने बहुत सारे केस ऐसे देखे होंगे कि अभी तक चल ही रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ हाथ में घटना के बाद हाथ में कुछ लोग एनजीओ वालों, ये वो कुछ लोग हाथ में कैंडल लेके थोड़ी सी ऐसे कुछ जमा हो जाते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ मीडिया वालों को बुला लेते हैं, ख़त्म हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं। ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो देश की औरतों को भी आगे बढ़ने के लिए देना होगा, उनको सेफ्टी देनी होगी। और मोदी जी से भी मेरा ये विनती है, शायद कुछ ही लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, और जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे उनसे मेरा एक निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब मत कीजिए, मुझे लाइक भी मत कीजिए, कोई कमेंट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन प्लीज़ शेयर कीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, उन सबको शेयर कीजिए, आज इसकी ही ज़रूरत है। हम गार्डनिंग कैसे करेंगे? हमारे दिल में सुकून हो तो ना हम गार्डनिंग करें, तो ना कुछ अच्छे काम करें। लड़की को स्कूल भेज के पूरा दिन निकल जाते हैं टेंशन में कि क्या वो सेफ आएगी घर पे। एक कैंडल हाथ में जला के, थोड़ी सी मीडिया वालों को बुला के, ऐसे नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो लाइक मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, लेकिन प्लीज़ शेयर कीजिए। और जब तक हम ह्यूमंस, हम औरतें इसकी अगेंस्ट खड़ा नहीं होंगे, शायद मुझे लगता है कुछ नहीं होगा। तो क्यों ना हम वोट को ही बॉयकॉट करते, हम वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आए ना आए, मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सोचिए, दिल से सोचिए कि हमारी बच्चियाँ क्या सेफ है। और जब तक इन हैवानों को कोई भी सज़ा, पनिशमेंट, बहुत एक अच्छी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तब तक ये ख़त्म नहीं होगे। मेरे ख्याल से जब भी इन रेपिस्ट को कोई प्रूफ मिले, उनको एकदम शूट कर दो, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, या फिर शूट कर दो। सभी से सिर्फ यही निवेदन है, शायद मेरे वीडियोस कुछ ही लोग देखते होंगे, कुछ ही लोग देखेंगे, लेकिन ये जो प्रियंका रेड्डी के साथ जो हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। ऐसी घटना फिर से ना हो, फिर से हमारे देश में ऐसी शर्मनाक घटना ना हो, इसके लिए हम सबको ही एकजुट होके हमारी जो जनरेशन की जो मानसिकता है उसको बदलने की ज़रूरत है। इस तरह तो देश भी एकदम डिस्ट्रॉय हो रही है। तो मैं यही ख़त्म करती हूँ वीडियो, और कुछ नहीं, और कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास। कहना चाहती हूँ बहुत कुछ, लेकिन कोई शब्द नहीं है मेरे पास। तो जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो, उन सबको मेरा धन्यवाद, और प्लीज़ इस बारे में सोचिए।